वहीं बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नक्सलियों ने एक और करतूत को अंजाम दिया है। जवान के अपहरण के बाद अब एक और किडनैपिंग का मामला सामने आया है। मितानिन मास्टर ट्रेनर सहित तीन महिलाओं के अपहरण की खबर मिल रही है। गंगालूर क्षेत्र के कमकानार से देर रात यह अपहरण हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है, नक्सलियों ने तीन महिलाओं को किडनैप किया है। मितानिन मास्टर ट्रेनर शारदा को बंधक बनाकर ले गए हैं नक्सली। गंगालूर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। मुझे भी ऐसी कुछ विश्वास सूत्रों से जानकारी मिली है कि हमारे कमकानार की मितानिन ट्रेनर है, जिसे रात में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उठाकर साथ में ले गया गया। हमारी उसमें एक एमटी है और साथ में दो लोगों की और सूचना है, वो दो में शायद एक आंगनबाड़ी सहायिका भी है। अपहरण है या फिर क्या है, या फिर अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत गजवेल लाइव बने हुए हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, हाल ही में नक्सलियों ने बीजापुर में गंभीर करतूत को अंजाम दिया था, इसके बाद अब तीन महिलाओं के अपहरण की भी खबर मिल रही है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल अवंतिका, अभी जवान के रिहा हुए कुछ घंटे ही बीते थे और देर रात ये खबर आ रही है कि नक्सलियों ने तीन महिलाओं का अपहरण कर लिया है, जिसमें से एक मितानिन मास्टर ट्रेनर है शारदा और उनके साथ दो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अज्ञात लोगों ने उन्हें अपने साथ लेकर चले गए हैं और देर रात की ये घटना बताई जा रही है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नक्सलियों ने मास्टर ट्रेनर शारदा के हाथ बांधकर व अन्य दो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके साथ पकड़कर अपने साथ ले गए हैं। और कहां ले गए हैं और किस कारण लेकर गए हैं, ये कारण अभी तक अज्ञात है। और जो बीजापुर एसपी है, उनका कहना है कि इस तरीके की सूचना जरूर मिल रही है और इसकी जांच के लिए टीम को उन इलाकों में भेज दिया गया है, रवाना कर दिया गया है। और टीम जब पहुंचेगी, पुलिस बल जब वहां पहुंचेंगे, उसके बाद ग्रामीणों से पूछताछ करके स्पष्ट हो पाएगा कि मामला पूरा क्या है। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मितानिन और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है अंदरूनी इलाकों में लगातार कोरोना से जागरूकता फैलाने की काम को लगातार अंजाम दे रहे थे, ग्रामीणों के बीच में पहुंचकर कोरोना के जो बीमारी चल रही है, महामारी है, उसको लेकर लोगों को जागरूक कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और सारी चीजें जिस तरीके से कोरोना से बचाव की प्रक्रिया, उन सारी प्रक्रियाओं को अंजाम दे रहे थे। लेकिन इस बीच देर रात कुछ लोग वहां पहुंचते हैं, उनके घर में पहुंचते जहां पर वो रुके हुए थे और वहां से तीनों को अपने साथ अगवा कर लेकर चले जाते हैं। और फिलहाल कुछ घंटे ही बीते हैं जब जो अपहरित जवान था उसको नक्सलियों ने रिहा किया और ऐसे में कुछ घंटे बाद ही तीन महिलाओं का अपहरण। कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करते हैं कि नक्सली क्या चाहते हैं और मितानिन जो आदिवासी जो ग्रामीण है उनके हित का काम कर रहे थे, उनको जागरूकता फैलाने का काम कर रहे थे उनके बीच में, उनका अपहरण कर नक्सली क्या संदेश देना चाह रहे हैं। यानी कि मामला स्पष्ट नहीं है और जांच अभी की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत, पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें, नक्सलियों ने एक और करतूत को अंजाम दिया है। मिरानिन मास्टर ट्रेनर सहित तीन महिलाओं के अपहरण की